नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए। आज है 9 सितंबर 2019। तो चलिए देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज पेपर, PIB और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज पेपर की करंट अफेयर। इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, पहले आज का क्वेश्चन जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी दिल्ली की अदालत ने 19 सितंबर तक किस राजनेता को तिहाड़ जेल में भेजा था? तो देखिए, अभी दिल्ली की जो अदालत है, हाई कोर्ट है, यहाँ पर 19 सितंबर तक तो एक राजनेता है जिनको तिहाड़ जेल में भेजा गया है। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर शशि थरूर, पी चिदम्बरम, रतुल पुरी, कमलनाथ। तो चार ऑप्शन है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें अगर आपको लगता है फायदेमंद है तो। हिंदी मीडियम स्टूडेंटों की आप भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर जान लेते हैं। तो आंसर सीधा सिंपल सा था, जो शिक्षक दिवस है तो हमारे जो पूर्व उपराष्ट्र पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनकी याद में इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आज की जो पहली न्यूज है इसको जानते हैं। तो देखिए, दो दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो क्या होता है सैटरडे और जो संडे होता है, शनिवार रविवार के दिन न्यूज बहुत कम आती है, तो वीडियो नहीं बन पाया था, कुछ पर्सनल रीजन भी था। लेकिन आज से वीडियो कंप्लीट चलेगा और डेली चलेगा, और पिछले शनिवार रविवार की कुछ न्यूजें थी उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। देखिए, कल का तो रविवार को कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है काम की, इसलिए शनिवार और शुक्रवार की कुछ न्यूजें थी जो वह कवर की गई है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने खुरपा और मुहपका, देखिए पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं उनके पाँव में कुछ हो जाती है और मुंह में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिन्हें खुरपका और मुहपका कहा जाता है। तो ऐसी बीमारी के लिए तथा ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो देखिए, जो पशुओं को बीमारियां होती हैं उसके लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को भी लॉन्च करेंगे। तो देखिए, कृत्रिम जो गर्भाधान है पशुओं का, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी अभी नई नई योजनाएं आती हैं पशुओं पक्षी पशु पक्षी से लेकर, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर किससे संबंधित, किसके द्वारा यह योजना चलाई गई। अब बात की जा रही है 28वां इंडो थाई कॉरपोरेट, इसकी बात की जा रही है, जिसमें भारत की जो नौसेना है वह और थाईलैंड की शाही जो नौसेना है इसके बीच 5 से 15 सितंबर 2019 को 28वां भारत थाईलैंड के बीच चवनवैन गश्त, यानी कि इन दोनों के बीच में एक तरीके से प्रैक्टिस होगी दोनों नौसेनाओं के बीच में, इसका आयोजन किया जा रहा है। कॉरपोरेट में भारतीय नौसेना पोत केसरी और थाईलैंड की नौसेना पोत काबुरी भाग लेंगे। तो यह दो नौसेना है जो भाग लेंगी। याद रखें, भारत की जो पोत है जो केसरी, यह भाग लेगा। इसके अलावा बात की जा रही है, अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखें तो 2003 से थाईलैंड की शाही नौसेना के साथ दो वर्ष में एक बार कॉरपोरेट में हिस्सा लेते हैं। तो देखिए, 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी और हर 2 साल में यह एक तरीके से जो नौसेना का जो एक तरीके से प्रैक्टिस यह होती है, और इसको अंडमान निकोबार कमान के भारतीय नौसेना के पोत और हवाई जहाज के बीच हर 2 साल में यह होता है, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और गैरकानूनी रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री डाकुओं की गतिविधियों को रोकना इन दोनों का मेन उद्देश्य। तो देखिए, क्या होता है कि जो समुद्री गतिविधियां होती हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, गैर कानूनी तरीके से मछलियों को पकड़ा जाता है, प्राकृतिक संसाधन है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो और गैर कानूनी तरीके से तस्करी होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो इन सब को रोकना और इन सब को रोकने के प्रयास करना इस जो प्रैक्टिस है इसका मेन उद्देश्य है, ताकि आगे आने वाले समय में इन सभी प्रॉब्लम को भी यहाँ पर फेस किया जा सके। इसके अलावा बात की जा रही है राष्ट्रपति जी की, तो यहाँ पर लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक जो पुस्तक है, इनका दूसरे खंड का यहाँ पर विमोचन किया गया है। इसमें जो राष्ट्रपति हैं इनके जो भाषण है उनका जो चुनिंदा भाषण है इनका संकलन किया गया है। क्या होता है, जो राष्ट्रपति जी होते हैं इनके भाषण दिए जाते हैं, अच्छे भाषण होते हैं, उनको एक पुस्तक के रूप में लिख लिया जाता है और उनका यहाँ पर विमोचन वगैरह किया जाता है।
यह पुस्तकें किंडल और ऐप स्टोर हैं जो इन पर भी उपलब्ध हैं, ताकि आप ई मोड पर भी जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने भाषण वगैरह नहीं सुने हैं कहीं, और जो भी यहाँ पर एग्जाम वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वह आप यहाँ से जान सकते हैं। साथ ही बात की जा रही है धर्म प्रधान पेट्रोलियम मंत्री, यह 7 से 12 दिसंबर 2019 तक सऊदी अरब, यूएई और कतर की यात्रा पर जाएंगे। और यहाँ पर प्राकृतिक जो प्रधान है, जो धर्म प्रधान, तेल और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात क्षेत्रों पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा 10 सितंबर को अबू धाबी में 8वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की बैठक भी करेंगे, तो यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत यूएई के साथ इस बैठक का संयुक्त आयोजक है। भारत 2021 में 9वें ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो देखिए, अगर विश्व लीडर बनना है तो हमें इस तरह की अगवाही करनी होगी, और उसका ही एक उदाहरण यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब आगे जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है रेल मंत्रालय से संबंधित। तो रेल मंत्रालय को 2018-19 के लिए स्वच्छता कार्य योजना के तहत इसको सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय घोषित किया गया है। क्योंकि देखिए, रेल मंत्रालय ने जो स्वच्छता के रूप में काम किया है, काफी बड़े लेवल पर काम किया है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और आपको इससे संबंधित एक का बात और बता दें, जो वैष्णो देवी धाम है उसको सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता यहाँ पर परिसर घोषित किया है। जो सबसे स्वच्छ परिसर है वह वैष्णो धाम है, क्योंकि यह कहीं आया नहीं था और मुझे याद है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, न्यूज में नहीं आ पाया था, तो आप इसको थोड़ा याद करके रखें, बाकी आगे आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ इस अवसर पर, रेल मंत्रालय के अवसर पर, जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, इन्होंने आज के दिन स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया, यानी कि अभी 2 दिन पहले की बात हो रही है जब यह न्यूज में आर्टिकल आया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिस्थल का संस्थल का पुरस्कार दिया गया। तो सबसे ज्यादा स्वच्छ जो स्टेशन है वह कौन सा है? CST, यानी कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यह सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है जिसे हम टर्मिनस कहते हैं। इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है खेल मंत्री से, मंत्रालय संबंधित है, तो खेल मंत्री ने रेडियो जेनेरियो में ISSF विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत के जो निशानेबाज टीम है इनको सम्मानित करने के लिए कहा है। साथ ही आप जाने कि 2019 वर्ष में ISSF में सीनियर विश्व कप में भारत ने 16 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो भारत के जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं हर एक लेवल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगली जो न्यूज है वह जान लेते हैं, छठवीं, याद रखें कौन सी, छठवीं नंबर की, भारत और चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता 7 से 9 सितंबर 2019 तक आयोजित की जा रही है। आज 9 सितंबर है तो आज इसका अंत हो जाएगा। इस योजना के तहत SED का गठन दिसंबर 2010 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। तो इस तरह की जो ये बैठक है यह 2010 से संचालित की जा रही है। देखिए, और 5वीं योजना यहाँ पर 14 अप्रैल 2018 को बीजिंग में हुई थी, अब यह इंडिया में हो रही है, तो यह इम्पोर्टेंट, इसीलिए इसको याद रखें। अगली बात की जा रही है, अभी द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो जो ट्रंप हैं अभी इन्होंने तालिबान के साथ गुप्त वार्ता चल रही थी इसको बंद करने की बात कही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बम धमाके अभी भी रुके नहीं हैं, बड़े लेवल पर बम धमाके हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, अमेरिका की जो आर्मी है इनके लोग मारे जा रहे हैं। तो इसके चलते हुए ऐसे में बातचीत करना कोई एक सार्थक नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आप बातचीत करके शांति बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बम धमाके वगैरह कर रहे हैं। तो इसकी आलोचना की गई है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, और कहा गया है कि हम ऐसे में बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा एक पर्सनालिटी है यहाँ पर हमारे देश की थी, तो यहाँ पर राम जेठमलानी, इनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इनके बारे में अगर आप जाने तो यह 2 बार कानून मंत्री रह चुके हैं, आपराधिक वकील थे, न्यायविद थे, शिक्षक, मुकदमेबाज और संसद में यह सांसद भी रह चुके हैं। तो अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी, अच्छे खासे लीडर थे, एक तरीके से कहा जाए तो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। अब बात करते हैं थोड़ी जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर जैसे ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब यहाँ पर जो काम किया गया है, इनको अलग किया गया है, उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का काम चालू हो गया है। तो जिसके चलते हुए अब यहाँ पर एक दोनों के लिए केवल एक यहाँ पर हाई कोर्ट रहेगा,
तो एचसी यहां पर रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा, ठीक है, याद रखें दोनों के लिए सिर्फ एक हाई कोर्ट रहेगा, जिसमें 108 कानून चलाए जाएंगे, केंद्र संघ शासित प्रदेशों के लिए लागू किए जाएंगे, 164 राज्य कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, 166 राज्य कानून यहाँ पर लागू होंगे। तो देखिए नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर कानून वगैरह लागू किए जाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल आया है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो मध्य प्रदेश ने गौ रक्षा और संरक्षण को मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता बताई है, और जो गाय हैं इनकी रक्षा करने के लिए सरकार ने 1,000 गौशालाओं का निर्माण करने के लिए कहा है, और इसके लिए बजट भी रखा है, लगभग 132 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और साथ ही इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल तो इसको चलाया जाएगा, सार्वजनिक रूप से निजी मॉडल भागीदारी रहेगी, जो इस प्रकार का मॉडल चलाया जाएगा। तो यह था आज का हमारा डिस्कशन, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।